सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन पत्ती पार्टी ऐप के बारे में। अगर आप भी ये ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप भी इस ऐप में यूपीआई आईडी ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस ऐप में यूपीआई आईडी ऐड कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, यूपीआई से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आता है, तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ऐप को करना है आपको ओपन। ऐप को आप ओपन करेंगे तो आपको स्टेप्स इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो का, निकनेम का, प्लेयर आईडी का, मेल का, शेयर वॉइस का, सेटिंग का। इनमें से आपको किसी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, इनमें से आपको करना है विड्रो का ऑप्शन पे क्लिक। तो विड्रो का ऑप्शन पे करना है आपको क्लिक। विड्रो का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप्स इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बैंक का और यूपीआई आईडी का। तो यूपीआई आईडी पे करना है आपको क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप्स इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है यूपीआई अकाउंट डाल लेना है। यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी डालने के बाद में सेव यूपीआई अकाउंट पर कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपकी जो यूपीआई आईडी है वो हो जाएगी ऐड। तो इसी टाइप से आप अपनी यूपीआई आईडी ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।